हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? तो आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि माउंटेन्स यानी पर्वत कैसे बनते हैं और माउंटेन्स के टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के माउंटेन पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उन सारे पर्वतों को हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पर्वत और पहाड़ में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरा नाम है उदय सिंह चौहान और मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के वीडियोज़ आपको देता रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स के बारे में। सब माउंटेन्स यानी पर्वतों के बारे में जानने से पहले पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस होता है हिल यानी पहाड़ी और माउंटेन अर्थात पर्वत। तो पर्वत और पहाड़ में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखो, जो पर्वत होते हैं वो 1000 मीटर से, जितनी भी चीज़ें आपको ऊंचे देखने को मिलेंगी 1000 मीटर से ऊंचे जो होते हैं उनको हम लोग पर्वत बोलेंगे, और जो 1000 मीटर से नीचे होंगे वो आपकी क्या कहलाएंगी, पहाड़ी कहलाएंगे। अच्छा, पहाड़ी पर्वत में क्या होते हैं, ये जितने भी आपके माउंटेन यानी पर्वत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। शार्प कब बोले तो वो नुकीले होते हैं, और ये कैसे होते हैं, थोड़े फ्लैटेंड होते हैं, यानी ये समतल होते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये समतल होते हैं। अच्छा, जब समतल होंगे तो ऐसी जगह पर लोग घर बना करके रह भी सकते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर पहाड़ और पर्वत में कंपैरिजन किया जाए तो मोस्टली लोग जो रहते हैं वो कहाँ पे रहेंगे, पर्वत के कंपैरिजन में पहाड़ियों में रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पहाड़ों में रहना पसंद है, क्या कभी किसी से सुना है पर्वत पे रहना पसंद है? क्यों? क्योंकि पर्वत पे आप घर बनाने में दिक्कत होगी, ये बहुत शार्प होते हैं, यहाँ पे रुकना, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करना इतनी आसान नहीं होती है। तो इसलिए जो माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो पर्वत और पहाड़ में ये मेन डिफरेंस है। अब क्वेश्चन आते हैं कि ये पर्वत बनते कैसे हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो देखो, इसको जानने से पहले आपको तीन चीज़ें जाननी पड़ेंगी। हमारी जो पृथ्वी है इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हम पृथ्वी के जिस भाग में रहते हैं वो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर है। इस लेयर का नाम है, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, चाहे आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो। ये जो बीच वाली लेयर होती है इसको हम लोग मेंटल लेयर बोलते हैं, मेंटल परत बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोर लेयर। तो अभी हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि क्रस्ट क्या होता है। देखो, जो क्रस्ट लेयर होती है इसमें हमारे जैसे लोग रहते हैं, इसमें सारे कॉन्टिनेंट पाए जाएंगे, सारे ओशियन पाए जाएंगे, सारे पहाड़, सारे पर्वत, ये सब आपको देखने को इसी में मिलेंगे, किसमें, क्रस्ट में, समझे। और इसी क्रस्ट में बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं, इसमें से एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल लेयर या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अर्थात जैसे आप लोगों ने एशिया महाद्वीप सुना होगा, अफ्रीका महाद्वीप सुना होगा, है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट सुना होगा। तो ये जो है ना, ये सब क्या है, ये एक क्रस्ट की परत है, उसी पे आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। अब आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी। सपोज दैट हम लोग, ये अर्थ है और ये अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट है, और इस क्रस्ट में एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना। अब जब दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में, सपोज दैट एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये और एक कॉन्टिनेंटल है क्रस्ट ये, जब इनके बीच में फोर्स लगता है ना, तो जो हल्की वाली लेयर होती है वो ऊपर उठ जाती है, जो भारी वाली होती है वो नीचे दब जाती है, और इस तरीके से एक आपकी आकृतियां बनना शुरू हो जाती हैं। इसी से आपके क्या बनते हैं, माउंटेन्स यानी पर्वत बनते हैं। अर्थात पर्वतों का निर्माण, माउंटेन्स का निर्माण कैसे होता है, जब दो लेयरों के बीच में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में फोर्स लगता है, उनके बीच में एंडोजेनिक फोर्स यानी उनके अंदर लगने वाले फोर्सों के क्रिएट होते हैं, बल क्रिएट होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग माउंटेन्स यानी पर्वत कहते हैं। अब पर्वत कई प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है फोल्ड माउंटेन जिसको हम लोग वलित पर्वत के नाम से जानते हैं, एक होता है ब्लॉक माउंटेन जिसको अब हम लोग भ्रंश पर्वत के नाम से जानते हैं, और एक होता है वोल्केनिक माउंटेन पूरी दुनिया में जो पाए जाते हैं, वो ज्वालामुखी पर्वत भी आपको देखने को मिलेंगे, और एक होता है रेसिडुअल माउंटेन जिसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। मतलब पूरी अर्थ पे, पूरी पृथ्वी में ये चार प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत क्या होते हैं।
कैसे ये वलित पर्वत बनते हैं? आपको ये बात तो समझ में आ गई कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जैसे एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, इसकी डेंसिटी घनत्व जो है वो ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है कम है, तो जो ज़्यादा ताकतवर वाला होगा वो क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा, तो हल्का वाला आपका ऊपर उड़ गया और भारी वाला नीचे रह गया, और इस तरीके से आपकी आकृति बनी, तो आपके पर्वतों का निर्माण हुआ। अब ऐसे ही मान लीजिए एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये, इनके बीच में कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मैं ताकतवर हूँ, वो कह रहा है मैं ताकतवर हूँ, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, एक भाग उठ गया, जो भाग उठ जाता है ना, जब फोर्स ऑफ कंप्रेशन दोनों के बीच में दबाव का बल काम करता है, तो जब उस समय जो भाग उठ जाता है उसको एंटी सेलाइन बोलते हैं, और जो भाग दब जाता है उसको सेने सेलाइन बोलते हैं, और जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो ऐसे पर्वत को हम लोग फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब पूरी दुनिया में बहुत सारे फोल्ड माउंटेन हैं, कौन कौन से माउंटेन हैं, आइए मैं आपको उनके एग्जांपल भी दिखाता हूँ कौन कौन से ऐसे माउंटेन हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने हिमालय माउंटेन का नाम सुना होगा, है ना, आप लोगों ने आल्पस माउंटेन पड़ता है फ्रांस में, रॉकी माउंटेन हो गया, एंडीज माउंटेन हो गया, और मैं आपको इनको दिखाता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम लोग हिमालय की बात करते हैं, ये अपना प्यारा भारत, महान भारत है, और यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा। तो जो हिमालय पर्वत है ना, वो हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, ये है तो पर्वत लेकिन ये कैसा पर्वत है, ये एक फोल्ड माउंटेन अर्थात एक वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक्चुअल में ये पूरा एक महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे एक माउंटेन पाया जाता है, एक पर्वत पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकी माउंटेन बोलते हैं। तो जो रॉकी माउंटेन है, रॉकी पर्वत है, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ये भी फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा आप लोगों ने दुनिया की सबसे लंबे माउंटेन रेंज का नाम सुना होगा, लॉन्गेस्ट माउंटेन है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडीज माउंटेन चेन बोलते हैं। तो ये एंडीज माउंटेन चेन, एंडीज पर्वत श्रृंखला भी किसका एग्जांपल है, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही आपको एक कंट्री ये दिख रहा होगा, फ्रांस, इस फ्रांस में यहाँ पे एक आल्पस पर्वत पाया जाता है, ये जो आल्पस माउंटेन है ये भी किसका एग्जांपल है, तो ये भी आपका एक फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। तो दुनिया में माउंटेन कैसे बने मैंने आपको बताया, माउंटेन बनने की प्रक्रिया क्या होती वो भी बताया, माउंटेन के चार प्रकार होते वो बताएं, और उसमें पहले प्रकार का माउंटेन फोल्ड माउंटेन कैसे बना, कंप्रेशन फोर्स की वजह से जो माउंटेन बनते हैं उनको हम लोग फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत कहते हैं, उसके एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, यानी हम लोग उसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। अब ये भ्रंश पर्वत कैसे बनते हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। अभी तक फोर्स ऑफ कंप्रेशन काम कर रहा था, नो डाउट, मतलब पृथ्वी के अंदर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारी पृथ्वी, इसके अंदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, तो आपका जो पर्वत बना था वो कौन था, फोल्ड माउंटेन। ऐसे ही पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर कुछ ऐसी लेयर होती हैं जिन पे आपका टेंशन फोर्स नीचे की ओर काम करता है, और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे टेंशन फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा होता है, तो जिस पे नीचे की काम ओर काम कर रहा होता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है तो वो लेयर नीचे दब जाती है और एक लेयर ऊपर उठ जाती है। जब ये फोर्स ऑफ टेंशन की वजह से कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, भ्रंश पर्वत बोलते हैं। जिस समय जब ये भाग उठ जाता है, जो उठा हुआ भाग होता है उसको हॉर्स बोलते हैं, और जो दबा हुआ भाग होता है, जो दब जाता है उसको ग्रैबन बोलते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि ग्रैबन और माउंटेन या हॉस्ट माउंटेन ये किसके एग्जांपल हैं, ये ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत के एग्जांपल हैं। अब सर दुनिया में कहां कहां पे ऐसे माउंटेन पाए जाते हैं जो ब्लॉक माउंटेन के रूप में जाने जाते हैं, तो एक है सियरा निवेदा नॉर्थ अमेरिका में, आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये वाला आपको हिस्सा देखने को मिलेगा इसी नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे आपको एक माउंटेन मिलेगा सियरा निवेदा। तो सियरा निवेदा किसका एग्जांपल है, ये सियरा निवेदा जो आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ये आपका एक ब्लॉक माउंटेन
यानी आपका ब्रंस पर्वत का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जर्मनी में यहाँ पे एक माउंटेन पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। तो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो मैं आशा करता हूँगा कि आपको फोल्ड माउंटेन भी समझ में आ गया होगा, ब्लॉक माउंटेन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट माउंटेन है वोल्केनिक माउंटेन, जिसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत या एक्यूमुलेटेड माउंटेन के नाम से जानते हैं। अब देखो, सपोज दैट क्या हुआ, कोई एक जगह थी, वहां पे खूब तेजी से एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, एक ज्वालामुखी फटा। फटने के बाद यहाँ से अंदर से मैग्मा निकला, और जब तक अंदर था तब तक मैग्मा था, जब वो बाहर बहता है तो वो लावा हो जाता है। ये धीरे धीरे इस पे क्या हुआ, जो लावा धीरे धीरे बारिश की वजह से ठंडा होता गया होता गया होता गया, और धीरे धीरे यहाँ पे एक नया शेप आपका इस तरीके से बन करके रेडी हो गया, है ना। तो जब ज्वालामुखी फटता है, फटने के बाद वो ठंडा हो जाता है और एक नया शेप के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ज्वालामुखी के एक्यूमुलेशन इकट्ठा होने के बनने के बाद जो आकृति बनती है, वो एक ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है, वोल्केनिक माउंटेन कहलाता है। दुनिया में बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन है ना, जैसे माउंट फ्यूजियामा, है ना, और माउंट मोनालोआ। आइए मैं आपको कुछ उसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन है हमारा, प्रशांत महासागर है, यहाँ पे आपको इधर देखने को मिलेगा माउंट मोनालोआ, ये दुनिया का खतरनाक बहुत बड़ा वोल्केनो आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे एक देखने को मिलेगा माउंट तंजानिया, ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी पर्वत है। जापान में आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा माउंट फूजी, कौन सा, माउंट फूजी, ये भी एक ज्वालामुखी है। माउंट तंजानिया आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, है ना, और माउंट कौन सा, मोनालोआ, मैंने जो आपको बताया। तो ये सब जो है आपके कैसे माउंटेन है, ये आपके वोल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ज्वालामुखी पर्वत और यानी वोल्केनिक माउंटेन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टाइप के माउंटेन को, रेसिडुअल यानी अवशिष्ट पर्वतों के बारे में। आखिर ये अवशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। अब हमको पता है कि अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट है। और इस क्रस्ट में एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लगातार क्या होती है, वेदरिंग होती, वेदरिंग का मतलब होता है मौसम की मार से, हवा की मार से, तो आंधी की मार से लगातार, अगर आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसी वजह से टूट फूट के टूट फूट के टूट फूट करके एक जगह कर डिपॉजिट होती जा रही है, इकट्ठा होते जा रही है, कोई कोई एक मतलब आपकी ये एक पूरी मान लीजिए लेयर है, और इस लेयर पे आंधी आ रही, तूफान आ रहा, बरस रहा, पानी बरस रहा, ये लगातार इसको तोड़ फोड़ करके एक नए शेप में कन्वर्ट करता चला गया, कन्वर्ट करता चला गया। लास्ट में इन जो आपकी चीज़ें टूट फूट करके एक जगह इकट्ठा हुई, रेसिड हुई हैं, उससे आपका जो माउंटेन बनता है उसको हम लोग रेसिडुअल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हमारे भारत में आप लोगों ने शायद नीलगिरी पहाड़ी का नाम सुना होगा, तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ी हो गया, और राजस्थान में अरावली की पहाड़ी हो गई, है ना। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो ये प्यारा भारत है, यहाँ पर राजस्थान में अरावली की पहाड़ी है ना, झारखंड में एक पहाड़ी पड़ती है पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ हिल, और तमिलनाडु में जो पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। ये सारी किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये सारे रेसिडुअल यानी अवशिष्ट पर्वतों के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने आपको चारों प्रकार के माउंटेन्स बता दिए, क्या माउंटेन क्या क्या मैंने आपको बताया कि माउंटेन कैसे बनता है, माउंटेन क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, और उनकी डेफिनेशन क्या है, और उनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छे से समझी।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको माउंटेन के ऊपर, अभी तो ये जाना है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिमालय के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर हिमालय कैसे बना, हिमालय के टाइप कितने हैं, हिमालय की लेंथ, हिमालय के ब्रेथ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की कौन कौन सी पीक हैं, हिमालय के किस भाग में क्या पाया जाता है, हिमालय की वेजिटेशन क्या है, मतलब हिमालय माउंटेन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बहुत सारी बातें जानेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट होगी होगी, लेकिन आपके नॉलेज बेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा है। मैं आपके कमेंट का जरूर से जरूर इंतजार करूंगा और आपके कमेंट को हॉट भी दूंगा कि आपने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप मेरी डेली क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इस क्लास की पीडीएफ के लिए जीके बाय उदय सर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास के अपडेट्स और नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ में क्लासेस के शेड्यूल भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।